पाइथन डॉट ओ आर जी, मैंने कल बताया था कि पाइथन डॉट ओ आर जी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं सबको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पाइथन डॉट ओ आर जी, ये आपको ये कुछ सामने वाला स्क्रीन देखने को मिलेगा। इफ़ यू गो इन डाउनलोड्स, इफ़ यू क्लिक ऑन डाउनलोड्स, यू विल सी अ लिस्ट ऑफ कपल ऑफ डिफरेंट वर्जन्स हियर। ठीक है, जैसे नीचे जाएंगे 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, है ना। सो 2.0 जितने भी वर्जन्स हैं वो सारे के सारे अब आने वाले टाइम में अपडेट नहीं होंगे। तो पाइथन 2 का अपडेट आने वाले टाइम में नहीं होने वाला, तो पाइथन 3 ही मोस्ट प्रॉबली सब सब लोग यूज़ कर रहे हैं। पाइथन 4 लॉन्च होगा जब उसके अंदर वर्जन्स होंगे, और शायद दैट विल बी फॉर दी स्पेसिफिक एडवांस एप्लीकेशंस ओनली। सो पाइथन 3 के अंदर इतने सारे वर्जन्स देखो। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इसमें आपको 3.6 के कुछ वर्जन्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप 3.6.9, 3.5.7, 3.6.8, थोड़ा और नीचे जाएंगे 3.6.6, 3.6.5। अगर आप सपोज, मैं 3.6.5 के लिए बता रहा हूँ, कोई भी वर्जन आप यूज़ करें, जैसे आप क्लिक करेंगे सो इट विल रीडायरेक्ट यू टू वन डिफरेंट विंडो वंस अगेन। इस विंडो में थोड़ा सा नीचे जाएंगे सो आपको यहाँ कुछ दिखने वाला है, ये फाइल्स दिखने वाली हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैक ओएस के लिए कौन से, 64 बिट के लिए करना है तो 32 बिट के लिए करना है, तो विंडोज़ के लिए करना है तो ये वाली फाइल्स हैं यहाँ से लेके नीचे तक, है ना। हेल्प फाइल का कोई फायदा नहीं है। इन फाइलों में भी कौन सी करनी है वो बता देता हूँ आपको मैं, है ना। काफ़ी लोगों के पास विंडोज़ होगा, हो सकता है किसी के पास में लिनक्स रहा हो, रेड हैट हो, या उबंटू हो, या मैक हो, उसके हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड देन विंडोज़ के लिए मैं स्पेसिफिकली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपका 32 बिट है सो x86-64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, ये वाला आप डाउनलोड करना, या फिर एग्जीक्यूटेबल केवल 32 बिट के लिए x86 वाला करना। x86-64 इज फॉर 64 बिट एंड x86 इज फॉर 32 बिट। ये दोनों फाइलें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। सपोज करो आपने ये वाला किया, मेरे केस में मैंने ये किया, ये सेव करने के लिए बोल रहा है, मैंने सेव किया इसको, 30 MB के आसपास होना चाहिए। देन आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, डाउनलोड में चलते हैं, ठीक है। दिस इज दी फाइल, द फाइल डबल क्लिक ऑन दिस। सब लोग ऐसे ही इंस्टॉल करने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता है इनिशियली। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को सबसे पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो, तो अभी अगर कुछ नहीं पता है तो ऐसे करना है अपने को। आपके सामने ये वाली विंडो नहीं आएगी, मेरे सामने मॉडिफाई इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने 3.6 कर लिया, 3.7 कर लिया है, तो पहले तो अनइंस्टॉल कर लेना पहले वर्जन्स को, ठीक है। पहले वर्जन्स जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं, कुछ भी अवेलेबल है, 3.6 है, 3.7 है, 3.8 है, या पहला कोई वर्जन्स है, ठीक है, आप प्लीज, या कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर है, पाइचाम है, या एनाकोंडा है, कुछ भी हो आप उसको प्लीज अनइंस्टॉल कर लेना। बिल्कुल फ्रेश माइंड से फ्रेश इंस्टॉलेशन करना, मॉडिफाई, एंड इसके बाद ये सारे के सारे टिक मार्क होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पे, एंड देन उसके बाद TCL, TK एंड आइडियली। हालांकि ये इतना कुछ रिकमेंडेड नहीं है अभी अभी के लिए, यूज में नहीं आने वाला, बट फिर भी TK इंटर, मतलब या किंटर इसको बोलते हैं, किंटर GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए काम में आता है पाइथन के अंदर। पाइथन टेस्ट सूट, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरी इम्पोर्ट करनी है, यूज करनी है, देन वी कैन यूज इट। सो मेन जो पाथ की बात कर रहे थे आप वंशिका, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पिप, और ये टिक नहीं होता इनिशियली, इनिशियली ये अनटिक रहता है। अगर आप इसको अनटिक करके नेक्स्ट कर देंगे तो ये आपका पाथ सेट नहीं करेगा। सो इंस्टॉल पिप विच कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल अदर पाइथन पैकेजेस, सो वी नीड पिप दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑटोमेटिकली, राइट। सो उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं, फिर यहाँ आप सारे के सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो टिक कर सकते हैं, या मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग के जो चार ऑप्शन हैं ये टिक करना, और इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स भी टिक करना। या स्टार्टिंग के जो पांच पैकेजेस हैं या पांच ऑप्शन हैं, इनको टिक करके आपको जरूरत नहीं है डीबगिंग की, आपको जरूरत नहीं है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो ये पांच ऑप्शंस को टिक करना, आपके पास दो टिक आएंगे, बाकी आपको टिक करने पड़ सकते हैं, है ना। सो एड पाइथन टू एनवायरमेंट वेरिएबल्स, दिस इज द पाथ विच यूज टू गेट ऑटोमेटिकली सेट जब आप इसको टिक कर देते हो। नहीं करते हो तो फिर आपको करना पड़ता है मैनुअली, मैनुअली से बचना है अपने को। जैसे आप इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर करेंगे,
इसका पाथ यहाँ से चेंज हो जाएगा, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन लोकेशन ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सी हाइफन और उसके बाद या कॉलन बैक स्लैश प्रोग्राम फाइल्स बैक स्लैश पाइथन 36 तब आएगा जब पाइथन 3.6 होगा, 37 तब आएगा जब 3.7 होगा, 38 तब आएगा जब 3.8 होगा, है ना, अगर 3.5 है तो 35 आएगा, सो पाइथन 36 एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जितने भी पाथ है जितनी भी रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।